फल ले रही है। बाय गाइस, मैं कैसी आ रही हूँ, इसमें अच्छी लग रही हूँ? इतना ऊपर रखना पड़ेगा ना कैमरे को, बाल सही कर। अरे ये नहीं है वाले। तो गाइस अभी हम रुके हैं ओल्ड राव होटल के अंदर। यहाँ पे हम कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं, बेसिकली हम वेट कर रहे हैं मामा और का प्लान बन गया। पहले उनका प्लान नहीं था पर अब उनका प्लान बन गया, तो वो भी आ रहे हैं। तो अभी एक घंटा लग जाएगा उनको आने में। काफी सही जगह है वैसे ये, यहाँ बच्चों के खेलने के लिए वो सब कुछ, ये सारी चीजें हैं। इसका तो कैमरा ही ऑन नहीं था, इसको रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती, इतनी देर से आवाज बदल के बोल रहा है। हेलो गाइस वेलकम, इस अंदर चलते हैं। यहाँ पे लिटरली लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। सोच तो रही थी जूतिया ले लूं पर शायद मेरा नाप नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये देखो गाइस ऐसा कुछ ये है ये अंदर से। यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत सारी जगह भी है, जूतियाँ भी है, पर मेरे को पूरी उम्मीद है इनमें से एक भी मेरे नाप की नहीं होगी। तो बहुत अच्छी अच्छी दुकान है यहाँ पे, अट्रैक्शन है। ये मेरे पापा हैं गाइस, और तो बस क्या ही है यहाँ पे। ऐसी दुकान देख के फिर अब बताओ खरीदने का मन नहीं करे तो क्या करे। ये देखो कितनी क्यूट ड्रेस है बच्चों की, एक बार ऐसे देख लीजिए, 550 का है भाई। शॉर्ट कुर्तियाँ हैं, क्या करूँ ले लूँ क्या, अच्छी लग रही हैं यार। भैया को ला के लाती हूँ। गाइस अभी मैंने अपने लिए एक शॉर्ट कुर्ती ले ली है, जैसी भैया ने ली थी वैसी ही सेम है, कलर भी सेम है। मम्मी के लिए ले ली है दो पजामे। वैसे मेरे को चप्पलें अच्छी लगी यहाँ पे, भैया 350 की बोल रहे हैं, पर अभी तो हमने घूमना स्टार्ट भी नहीं किया और मेरी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। ये बताइए अच्छा लग रहा है ये लड़का गाइस, ये मेरा टी शर्ट पहन के आया आज। कौन सी ब्रांड है, कौन सा ब्रांड है ये? एल्सिस। यहाँ से मैंने अपनी एक टाइट ली थी, अच्छा ब्रांड है काफी। चलो इस बच्चे को परेशान करते हैं। बो इगली मैं खाने वाली हूँ अमेरिकन नट्स। पिताजी माता कौन सी ली आपने? वनीला। नहीं आपने कौन सी ली? पापा ने नहीं ली। तूने कौन सी ली है? मैंने ली। डाइट कॉन्शियस लोग, मेरी आ गई है। लाओ दे दो इधर, ऐसे लोगों पे गुस्सा आता है गाइस मेरे को। ये ज्यादा तो खुद के लिए आइसक्रीम मंगा सकता था, अमेरिका से दे दे बस, छोटा कप ही लिया है मैंने। देखो मेरा टी शर्ट पहन के आया गाइस, मेरा टी शर्ट बहुत कमी थी गाइस, यहाँ पे कुर्सी कुर्सी ही नहीं है, इसलिए इसको गोदी में बिठाना पड़ रहा है। लाडला हो ना मैं, अपन दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन तू पर तू एकदम गरीब लग रहा है, तू एकदम गरीब लग रही है, और मैं इतना बढ़िया लग रहा हूँ। साथ भी अच्छी लगती हूँ। पानी से धुला हुआ चेहरा है, और वो देख लो, एक भी फोड़े फुंसी कुछ नहीं है, और ये 10,000 लगते हैं इस पे रोज, 10,000 रुपए रोज लग रहे हैं। गाइस आम का सीजन है इसलिए मैं आम खाती हूँ, ये आम नहीं खाता इसलिए इसके पिंपल, क्योंकि हमें आम से एलर्जी है। अभी जो है ज्ञानीस की आइसक्रीम ले रहे हैं अपन, है ना? हम खाएंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं संडे कर दो। हां मैंने कर लिया था नाश्ता, पहले कर लिया था। हम खाएंगे कुछ नहीं संडे, संडे इसमें कुछ भी मिला दोगे क्या आप? क्या मिल रहा है? ये शुगर फ्री वाली थी ना? नहीं नहीं नॉर्मल थी। कचरा सा नहीं लग रहा? कचरा सा, कचरा लग रहा है, ऐसा लग रहा कचरा बना दिया। ये दे। कोई नहीं हम कचरा खा लेंगे। ब्राउनी में नहीं, नहीं ब्राउनी डाल दो। अरे ईट है वो। लगता है ज्ञानीस, ज्ञानीस थोड़ा सा भी ज्ञानी बन गया है गाइस। फ्रूट्स लग रहे हैं, फ्रूट्स है और चार आइसक्रीम है। आइसक्रीम है काजू, 200 220 का है, चार आइसक्रीम है, चार आइसक्रीम। मेरे मामा के लिए वेट कर रहे हैं अभी। जो प्लान ऐसा है कि अभी हम अपने मामा के लिए वेट कर रहे हैं। गाइस अमीर लोग आईफोन 14 से शूट कर रहे हैं और मेरे पास आईफोन 11 है। मेरे को भी झूलना था पर कोई नहीं, अंदर ही चल जाती हूँ यार, गर्मी हो रही है बाहर, फालतू में निकली मैं एसी से। मैं सब कुछ ना 0.5 में ही शूट करने वाली हूँ, दूर से लूंगी ताकि मेरे पिंपल कम दिखे। सिनेमैटिक मोड भी तो टेस्ट करें इसका, अगर मेरे पिंपल दिख गए तो मतलब सही है।
अरे ये तो बहुत सही है भाई। गाइस मेरे बैग में से पॉम पॉम छुपाया है इसने सिर्फ फोटो लेने के। अब आप देखिएगा मैं कितनी अच्छी फोटो लेती हूँ। आपको ये फोटो इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप मेरे को फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे तो आप कर सकते हो, और चाहते हो तो इसको भी कर लेना। तो लेके जाऊंगा यहाँ से है? अभी रुक जा, क्या कह रही बताना फिर बस वही है। फिर वो वायरल हो जाएगी। हाँ। ये वीडियो बन गई है मेरी। सारी मेरी नकल करी है इसने, कॉन्सेप्ट सारे मेरे हैं। ओहो मैंने ना मस्त मस्त रील शूट कर लिए बाहर जाके, मैंने पूरी यूटिलाइज करा है इस जगह को अच्छे से, और मेरे भाई ने मेरी कॉपी करी है सारी जो थी ना मेरी, तो सारी हर एक कंटेंट मेरा कॉपी करा है। मुझे फेम क्यों नहीं दे रही? सारे कंटेंट मेरा था, सारा कंटेंट। ये एकदम झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रही हूँ। लाइट ड्रॉप कर, अब नहीं करना। मामा और आ गए हैं बुल्लू, सोर मामा, चिक्की मामी, तन्ना। आते ही बास्किन रॉबिन्स पे जाएगा तू? बास्किन बहुत अच्छा चाहता है गाइस। हेलो गाइस, तो राधी पावा जी आप क्या होगी? खाना खाएंगे। तो गाइस पाव भाजी मंगा ली है, जिसको हमारे घर की चुड़ैल टेस्ट करके बताएगी पहले। ये सौभाग्य मुझे मिला गाइस। आ जल्दी हाँ टेस्ट करो ना इसमें से। और टेस्टी है ना? कैसा है? टेस्टी है। अब मम्मी ट्राई करके बताएगी। मम्मी तो कैसे बताएगी, मम्मी ही तो जानती है। हाँ मम्मी चलो। हाँ मम्मी, अब मेरी मम्मी कर देना। अभी हम आ गए उमंग ढाबा के अंदर, NH 48 पे पड़ता है ये। जयपुर टू दिल्ली हाईवे पे पड़ रहा है ये। अपने और पापा ने मेन्यू सुन लिया। गाइस शुरू करते हैं, क्या मंगा रहे हो पापा? सेव मंगाइए और दाल मंगाइए। नहीं लेकिन कुछ तो खाएं। और तो हमने सेव भाजी मंगाई है कुछ। अरे ये फ्राइड राइस है, गवार चावल क्यों बोल रही थी? चावल ही होते हैं। हमेशा ढाबे की वाइब को है ना, कोई रेस्टोरेंट मीट नहीं कर सकता। अब देखो, अब देखो कैसे हमेशा ऐसे। हमारे ड्राइवर भैया हैं जिनके भरोसे हम जा रहे हैं। ये मोहिनी आंटी हैं जो कि नानी की दोस्त है। ये मेरी नानी है, और ये मेरी माँ है, और ये मेरे पापा हैं, और ये कुछ भी नहीं है। ये खराब हो गई है आगे, किधर हो रहा है खराब। पिज्जा, सैंडविच, गोलगप्पे, राज कचौरी और लिमका भी रखी है। ये हमारे पराठे आ चुके हैं गाइस, घर पे लाए हम ये। और हम ढाबे में बैठ गए अपना खाना खा लिया। सब्जी भी हम लेके आए गाइस, आपको दिखा देते हैं। मेरी मम्मी ने एक मिनट में ये रही सब्जी, 6 बजे उठ के आलू की सब्जी बनाई है। 5:30 बजे बनाई। तो गाइस ये मम्मी बना के लाई थी, और हटाना हाथ तेरा। ये मम्मी अरे यार मेरा भी तो ब्लॉग है। मम्मी बना के लाई थी आलू की सब्जी और घर से पराठे, सब वो सब खा रहे हैं अभी। ये सेम टमाटर है और ये दाल है। ये मुद्दा मेरे बीच में बहुत बोलता। मम्मी ने बनाया मेरे से तो कंट्रोल हो नहीं रहा था, इसलिए मैं आ गई थी यहाँ पे। ओल्ड राव, ये भी ओल्ड राव है? नहीं, हाँ ये भी ओल्ड राव होटल है जिसमें हम पहले रुके थे, ये उसी की एक और ब्रांच है। तो मेरे को बहुत जोर से जाना था यार वॉशरूम, इसलिए हम बीच रास्ते में रुके हैं। पर ये भी काफ़ी डिसेंट जगह है, कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी मैं। पता है मेरे होंठ काफ़ी सही हो गए हैं, अभी मैंने लगाना स्टार्ट किया है वापस से,
बोरोली इनको भी ले लेते हैं। में रुके हैं, मामा की गाड़ी जो है वो थोड़ी सी खराब हो गई है, जाम लग रहा है पूरा यहाँ पे आगे तक। पता नहीं क्यों मम्मी बाहर नहीं आ रही है, मम्मी ने खुद की वजह से मेरे को बाहर निकलवाया, पर अब मम्मी बाहर नहीं आ रही। पर टेढ़े मेढ़े तो मिलते नहीं है यहाँ पर, टकाटक मिलते हैं वो भी हल्दीराम के, टेस्ट करके देखते हैं। ये कार्टून निकला है, क्रैक्स हैं के, क्रैक्स सही है इसलिए। अभी चाय पीएंगे गाइस यहाँ से। ओ लाइट चली गई, लाइट चली गई। लाइट जा चुकी है, पर मैं टकाटक टेस्ट करके फिर भी बताऊंगी। देखो टेढ़े मेरे जैसे तो नहीं है पर अच्छे हैं। जगदम्बा ये रहा ना, ये रहा, ये रहा जगदम्बा। कमरे में छिपकली थी तो मैंने भैया को बोला, भैया मैं छिपकली के साथ नहीं सोती हूँ, तो उस छिपकली को भगा दो। तो उन्होंने थोड़ी कोशिश करी, उसके बाद वो लिटरली वो ऐसे हाथों में पकड़ गई, ये मेरे हाथ आंखों के सामने हाथों में पकड़ के छिपकली ले गए, है ना उन लोग कैसे डरे भी नहीं, वो दिखा रहे थे ये देखो, ये देखो छिपकली, देखो छिपकली, नीचे जाके वो सबको बता रहे हैं देखो छिपकली। गाइस हम गए, टाइम क्या हो रहा है बोलो, 10:52 हो रहे हैं और अब हम जाके पहुंचे धर्मशाला। बुआ की मतलब मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है क्योंकि गाड़ी में सफ़र करके आई है, थोड़ा सिर दर्द हो रहा है और वो उल्टी करने से ठीक नहीं होगा। हमारा एक ये कमरा है और ये एक ये कमरा है, इसमें एसी है पर एसी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। मर्तल सा एसी है यहाँ पे, वो भी विंडो एसी, इतना ठंडा कर रहा है ऐसी मन तो कर रहा है। वहाँ पे जयपुर चल जाए, 11 बजे धर्मशाला पहुँचे, 11:10 हो गए, अभी वो लोग खाना लेने गए, अभी हम तो खाना खाएंगे 11 बजे।